क्या सच में कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र था? आप देख रहे हैं हरि भक्ति वर्ल्ड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मित्रता का सबसे अहम आधार है एक दूसरे के प्रति निसंकोच सम्मान। जब दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राजा घोषित किया, तब उन दोनों के बीच सबसे पहले एक कर्जदार और ऋणी का रिश्ता बन गया। दुर्योधन ने कर्ण को पांडवों के विरुद्ध एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा, तो कर्ण ने दुर्योधन को उस कर्जदार के रूप में देखा जिसने उसको क्षत्रियों के मेले में अपने बराबर होने का अधिकार दिया। कर्ण दुर्योधन के कई कपट में साझीदार बने, उनमें से मैं कुछ आप सबको बताता हूँ। लाक्षागृह, दूत कीड़ा, द्रौपदी का अपमान, वन में गंधर्वों का अपमान, अभिमन्यु, घटोत्कच जैसे अपने अनुज पुत्रों का वध, लेकिन उनका सबसे बड़ा अपराध या फिर उनकी गलती यह थी जब उन्होंने श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हाँ, यह सत्य है कि संसार ने उनको आजीवन सूत पुत्र के नाम से अपमानित किया, लेकिन सत्य यह भी है कि नियति उन्हें भारतवर्ष का प्रियतम बनने का अवसर दे रही थी, लेकिन उनकी आंखें दुर्योधन के ऋण में इतनी डूब गई थीं कि उनका बंगहट पर लौटना असंभव हो गया था। एक कर्जदार और ऋणी के बीच मित्रता कभी संभव नहीं हो सकती, क्योंकि कर्जदार का पलड़ा हमेशा भारी होता है और मित्रता में तो किसी प्रकार के पलड़े नहीं होते। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।